देखो क्वेश्चन नंबर फोर देखो, आपको दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, और आपको शो क्या करना है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे बड़ी चीज क्या है, कल मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसमें ऐसा नहीं है LHS ले लो RHS बनाना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको। हाँ लेना जरूर है LHS, लेकिन एक तरीके से उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटाना है। ठीक है, अगर हम दिमाग लगाएं यहाँ पर वर्षा, LHS में क्या है m square minus 1 upon m square plus 1, यही है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि m की जो ये वैल्यू है वो इसमें पुट कर देनी चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो इतना ही मुझे समझ में आ रहा है, इतना ही आपको समझ में आ रहा है, और जब हम सबकी समझ मिल गई है तो उस समझ को मिलाते भी या लिख लेते हैं। m की वैल्यू बोलो sec थीटा प्लस tan थीटा का, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। सबको यहां समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद आपको क्या लग रहा है हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही एक बच्चा बोलेगी कि करके संगम को सक्षम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बताया गलत है, वो ये इसमें नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे उसका कारण भी बता दूंगा अभी मैं। और कोई बच्चा इसमें क्या कर सकते हैं, हाँ कोई भी, राहुल अनुभव इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, इसमें ये पड़ेगा। अब देखो आपके दिमाग में ये होगा कि आपने पहले बताया था आइडेंटिटी, तो जो लगे लगा लो, तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया बेटा सक्षम। अगर मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोलता हूँ a प्लस b a माइनस b, तो ये क्या बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। क्या उसका हमको यूज कर सकते हैं, क्या उसमें कोई आइडेंटिटी होती है, नहीं होती, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमको कोई भी चीज करने से पहले सोचना है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें उससे तो कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है राहुल, चलो राहुल a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sec थीटा और tan थीटा माइनस 1 का माइनस 1 आ जाएगा। बच्चों नीचे भी हम यही काम करने वाले हैं, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा into tan थीटा और प्लस का 1। सबको समझ में आ गया बेटा, पीछे क्या होगा इसमें, क्या नाम था, नाम भूल गया तो नीरज, नीरज इसमें ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी या क्या होगा ये बताओ। आइडेंटिटी लगेगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही बताया है इसमें, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि तो सही पूछना था मुझे किसी से, मीनाक्षी क्या होता है sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। चलो कोई बात नहीं है, पहले पहले मत बोला करो, ठीक है ना हैंगर वो सक्षम, मैं तो देख हां अब देख ले वीडियो में भी हैंगर ही जा रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर, 1 प्लस tan स्क्वायर वाली जो sec स्क्वायर होती है। वेरी गुड, ये पहले से उसने ये बता दी जो क्या होती है। ठीक है, खौफ देख रहे हो आप, खौफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना sec स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा। अनुराग समझ में आ रहा है बेटा, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो बाकी ऐसे ही रहेगा, लिखते हैं हम इसे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। सही है, दिखाई दे रहा है पूरा वीडियो में, यहाँ तक पूरा आ रहा है। चलो अब बताओ वर्षा कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या आ जाएगा मैं 2 और 10 थीटा, 2 tan बेटा इन दोनों में से 2 tan थीटा कॉमन आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्या बचेगा बच्चों ऊपर और नीचे क्या कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बच्चों tan थीटा प्लस sec थीटा बोलो या sec थीटा प्लस tan थीटा बोलो, दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, tan की जगह क्या sin cos और sec की जगह क्या ये हो जाएगा cos cos, cos से cos कट जाएगा,
जो कि किसके इक्वल है? आरएचएस के। आरएचएस ये लीजिए, तो यहाँ पे प्रूव हो गया, सबको समझ में आ गया। एक अगर समराइज करना है, क्लियर हो गया तो हो गया, चलिए नोट करिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको क्या दे रखा है? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एम, और एक दिया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एन ए। आपको प्रूव करना है ये पार्ट, ठीक है? एलएचएस ले ले, एलएचएस हमने अगर लेते हैं एन एम स्क्वायर माइनस 1, बच्चों एन की जगह हमको कितना दे रखा है? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। बेटा एन की जगह कितना दे रखा है? साइन थीटा प्लस, और उसके ऊपर क्या लग रहा है? माइनस का वन हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं और मैंने बताया भी था कि पूरा क्वेश्चन अगर साइन कॉस में नहीं है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, भले इसमें ये एलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। लो समझ लो भाई राहुल, आपकी इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और मुझे दिख भी रहा है कि इसे खोलेंगे, लेकिन इसको सेक और कोसेक को भी पहले कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन का ऐसी ले लो। ये बेटा यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा, बच्चों कॉस से कॉस गया, वेरी गुड टीचर, साइन प्लस कॉस, बेटा ये हो जाएगा वन टू साइन थीटा माइनस वन। इसमें तो आइडेंटिटी लग गई, वन से वन कट गया, ठीक है। नीरज किताब बंद है ना? खुली है सर, खुली है, खुली है सर। नीरज बंद कर दो किताब। हाँ बेटा, ये तो हमने एज इट इज नोट कर दिया। क्या बचा? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो बच्चों ये साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया। क्या बचा? 2 साइन थीटा, लेकिन रुको साइन प्लस कॉस बचा है, और ध्यान से देखो साइन प्लस कॉस क्या है, यहाँ पे मैं एन लिखूं और ये किसके इक्वल आ गया? सिंपल, बहुत सिंपल था। एक बार फिर भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, चलो नोट करो।